बाबा गुरु घासीदास की 267वीं जयंती सोमवार को भिलाई सहित पूरे प्रदेश में मनाई गई। भिलाई के सतनाम भवन सेक्टर 6 के आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। उन्होंने सबसे पहले गुरु गद्दी की पूजा की। उन्होंने कहा कि बाबा जी का जो संदेश है वही आज मानवता के लिए, समाज के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने मन के एक समान का संदेश दिया, सत्य के मार्ग पर चलने को कहा। ये आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। ईवीएम मशीन को लेकर किए गए सवाल पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जो चर्चा हो रही है उसमें ईवीएम पर लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि कई जगह लोग कह रहे हैं कि हम वोट डाले, हमारा वोट कहाँ गया। हमारे पूरे परिवार ने वोट डाला लेकिन उतना वोट नहीं मिला। इससे लोगों में एक अविश्वास पैदा हो रहा है, तो होना चाहिए कि एक बार कम से कम मतपत्र से मतदान हो। आज गुरु घासीदास जी की जयंती पूरे प्रदेश में और देश में जहाँ जहाँ भी हमारे सतनामी भाई बहन निवास करते हैं वहाँ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और श्रद्धा पूर्वक बाबा जी की याद कर रहे हैं, क्योंकि बाबा जी का जो संदेश है वही आज मानवता के लिए, समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उन्होंने मन के एक समान का संदेश उन्होंने दिया, सत्य के रास्ते पे चलने के लिए उन्होंने कहा, और वो हमारे लिए आज समाज में बहुत जरूरी है। भाई ये है कि जो चर्चाएं हो रही है उसमें लोगों को विश्वास नहीं है मशीन के अंदर है क्या, क्योंकि कई जगह ये है कि हम वोट डालें, हमारा वोट गया कहाँ, हमारे पूरे परिवार के वोट डाला है लेकिन उतना वोट मिला नहीं है, कहीं जगह कुछ ज़्यादा आ रहा है, कहीं जगह मशीन खराब होने की शिकायतें मिल रही है। तो ऐसे में जब लोगों के शिकायतें हैं और एक अविश्वास पैदा हो रहा है तो होना ये चाहिए कि इसको एक बार कम से कम मत पत्र से मतदान कराना चाहिए सर। मतलब ये है कि कोई भी आवाज़ उठाए उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। असहमति का सम्मान अब इस देश में नहीं है और कोई भी आवाज़ उठाए उसे दबा देने की, कुचल देने की जो नीति है उसके तहत हो रहा है, ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है।